नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स बगैर मेम्ब्रेन अजसाम। क्या अब नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स एक होता है मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स एक नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स। नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स किस तरह होता है, क्या आपको इसके बारे में इल्म है? ये मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि राइबोसोम होता है नंबर वन, दूसरा सेंट्रोसोम और तीसरा है वोक्यूल्स। ये तीनों को हम नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स और वोक्यूल्स। वोक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम, ये तीनों नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स है। इनमें पहला राइबोसोम है, ये छोटे छोटे अजसाम होते हैं, इनके अतराफ मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होते। सेंट्रोसोम ज़्यादातर जानवर और चंद इब्तदाई पौधों के खुलियों में न्यूक्लियस के करीब एक जिस्म पाया जाता है जिसको सेंट्रोसोम्स कहते हैं। आला पौधों में सेंट्रोसोम्स मौजूद नहीं होता। और वोक्यूल्स खुलिये के साइटोप्लाज्म में ऐसे खास कैविटी की तरह अजसाम पैदा होते हैं जिनमें पतला माए मौजूद होता है। इन अजसाम को वोक्यूल्स कहते हैं। ये तीन नॉन मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स है। और मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स, जैसा के मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स की हम बात करें, मेम्ब्रेन बोंड ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट है जो पौधों के में होता है, पौधों के सेल में होता है। वहाँ पर पत्तों में वो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं और वो ल्यूकोप्लास्ट में जाकर जमा हो जाता है।